हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अंजलि नर्सिंग क्लासेस। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि जो बाउल साउंड होते हैं उनको हम कैसे असेस कर सकते हैं। ठीक है, तो बाउल साउंड असेस करने से पहले हमें थोड़ा सा एब्डोमेन के जो 4 क्वाड्रेंट है उनके बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, तो आपको पता है कि एब्डोमेन में 4 क्वाड्रेंट होते हैं। जो 4 क्वाड्रेंट होते हैं उनको कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है क्वाड्रेंट्स में, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइन के थ्रू इनको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। जो वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइन है वो कैसे ड्रॉ की जाती है। जो वर्टिकल लाइन होती है वो जिम्फोइड प्रोसेस से लेके सिम्फाइसिस प्यूबी तक इमेजिनरी स्ट्रेट ड्रॉ की जाती है थ्रू द अम्बलाइकस। ठीक है, और जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है वो हॉरिजॉन्टल वे में ड्रॉ की जाती है स्ट्रेट थ्रू द अम्बलाइकस। तो इसकी वजह से एक क्रॉस मतलब कि प्लस साइन बन जाता है। ठीक है, जो सेंटर होता है वो अम्बलाइकस होता है। उसके बिहाफ पे हम राइट पोर्शन को राइट एंड लेफ्ट पोर्शन को लेफ्ट बोलते हैं। अपर एंड लोअर में डिवाइड हो जाता है। तो इस तरीके से 4 क्वाड्रेंट बन जाते हैं। राइट अपर क्वाड्रेंट, लेफ्ट अपर क्वाड्रेंट, राइट लोअर क्वाड्रेंट एंड लेफ्ट लोअर क्वाड्रेंट। ठीक है, तो जो बाउल साउंड होती है वो हमें असेस करनी होती है एवरी क्वाड्रेंट में। तो ये नेसेसरी नहीं, मतलब ये कोई वो नहीं है कि आप राइट क्वाड्रेंट से स्टार्ट करेंगे कि लेफ्ट क्वाड्रेंट से। आप किसी भी क्वाड्रेंट से स्टार्ट कर सकते हैं बाउल साउंड को असेस करना। तो जो बाउल साउंड असेसमेंट होती है वो किसके अंदर आती है, वो जो एब्डोमेन असेसमेंट करते हैं हम, इंस्पेक्शन, ऑस्कल्टेशन, पैल्पेशन, परकशन एंड पैल्पेशन। तो ये ऑस्कल्टेशन के अंडर आता है हमारा बाउल साउंड असेस करना विद द हेल्प ऑफ स्टेथोस्कोप। ओके, तो हम स्टेथोस्कोप की हेल्प से बाउल साउंड को असेस करते हैं। जो ये डायफ्राम होता है, हम इस डायफ्राम को प्लेस करते हैं किसी भी क्वाड्रेंट पे। आप कर सकते हो राइट अपर, राइट लोअर, पर 1 by 1 करके आपको एवरी क्वाड्रेंट कवर करना है। ठीक है, विद इन 10 to 15 सेकेंड नॉर्मली आपको मतलब कि जो साउंड होती है इसकी वो सुनाई दे जाएगी, जिसको हम नॉर्मल बाउल साउंड कहेंगे। ठीक है, अगर इससे ज्यादा लंबा समय लग रहा है इस साउंड को आने में तो उसको हम हाइपो एक्टिव कहेंगे। ठीक है, 1 सेकेंड। ठीक है, हाइपो एक्टिव कहेंगे। और अगर इसे कम ड्यूरेशन में जल्दी से जल्दी आ जा रही है, रिपीट हो रही है एवरी 5 सेकेंड में, 8 सेकेंड में, तो हाइपर एक्टिव होगी। ओके, अब इस साउंड को हम कहते क्या है, बाउल साउंड को, जो इसका मतलब कि मेडिकल टर्मिनोलॉजी है वो क्या होती है। बाउल साउंड को हम बोर्बोरिग्मस बोलते हैं। जो इसमें वायु होता है वो साइलेंट होता है, इसलिए इसका जो प्रोनाउंस होता है, इसको जो प्रोनाउंस करते हैं वो बोर्बोरिग्मस प्रोनाउंस करते हैं हम लोग। ठीक है, तो हमें ये असेस करनी होती है। अगर मान लो कि किसी क्लाइंट का जो बोर्बोरिग्मस साउंड है वो अब्सेंट है, मतलब बाउल साउंड अब्सेंट है, तो आप कैसे बताओगे कि कितनी देर तक आपको उसको सुनना है ताकि आप असेसमेंट से फाइनल रिजल्ट पे पहुंच पाओ और बोर्बोरिग्मस साउंड को आप अब्सेंट अनाउंस कर सको। तो एटलीस्ट आपको 3 to 5 मिनट ईच क्वाड्रेंट में आपको सुनना है। ठीक है, टू अनाउंसिंग द अब्सेंट। ठीक है, अब्सेंट अनाउंस करने के लिए आपको एवरी क्वाड्रेंट में, मतलब कि अगर मान लो इस क्वाड्रेंट में आपको साउंड नहीं सुनाई दे रही है तो आपको कंटिन्यू 3 से 5 मिनट तक आपको सुनना है उसको। ठीक है, जिससे आप ये एनालाइज कर सको कि हाँ अब्सेंट मतलब इस क्वाड्रेंट में आपको नहीं आ रही है। और जैसे 4 क्वाड्रेंट है, 4 क्वाड्रेंट में आपने आवाज सुनी, किसी में उसकी पिच हाई हो सकती है, किसी में आपको पिच इसकी लो सुनाई दे सकती है बाउल साउंड की। सो आई होप दिस विल हेल्प यू एंड प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।